हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो? जय माता दी। आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए आयरन, प्रोटीन, विटामिन, पोटेशियम से भरपूर हेल्दी फूड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस हेल्दी फूड को आप अपने बेबी को लंच एंड डिनर किसी भी टाइम बनाकर दे सकते हैं। और इस हेल्दी फूड को खाने से आपके बेबी का तेजी से वजन बढ़ेगा और आपके शिशु की मांसपेशियों की मजबूती बनी रहेगी और साथ ही साथ आपके बेबी को खून की कमी कभी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस हेल्दी फूड को बनाना तैयार करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में 3 छोटे चम्मच रेगुलर घर का दलिया ले लिया है और 3 छोटे चम्मच पीली मूंग की दाल ले ली है। दोनों चीज़ों को अच्छे से साफ पानी से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे और आधे घंटे के लिए दोनों चीज़ों को पानी में भिगो के रख लेंगे। गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस के ऊपर प्रेशर कुकर रख लिया है। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे। 1 चम्मच घर का बना देसी घी ले लेंगे। देसी घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। हमने 3 से 4 कलियां लहसुन की ले ली है। थोड़ा सा हम जीरा ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी हम हींग ऐड कर लेंगे और 10 सेकंड तक अच्छे से भून लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों बारीक पालक कटा हुआ ऐड कर लेंगे। अच्छे से करछी से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पालक को अच्छे से भून लेंगे। और दोस्तों, बेबी के डाइट में पालक ऐड करने से बेबी को भरपूर मात्रा में आयरन और फोलिक एसिड मिल जाएगा, जो कि बेबी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब 1 मिनट लगभग हो चुका है। अब दोस्तों, दाल और दलिया जो हमने भिगो के रखा था, इसे ऐड कर लेंगे। करछी से अच्छे से मिक्स करते हुए चुटकी भर बराबर नमक ऐड कर लेंगे और चुटकी भर बराबर हल्दी ऐड कर लेंगे। और अगर दोस्तों आपका बेबी 1 साल से छोटा है तो आप प्लीज़ नमक अवॉइड कर दीजिएगा। और 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम में सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। अगर दोस्तों आपने अपने बेबी के डाइट में दलिया स्टार्ट नहीं किया है तो आज ही से देना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि दलिया पौष्टिक आहार का खजाना माना जाता है। 1 मिनट लगभग हो चुका है। फूड जो है अच्छे से भुनकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों 150 से 200 ml के करीब हम पानी ऐड कर लेंगे। करछी से अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम में 5 से 6 सीटी आसानी से आने देंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, ये हेल्दी फूड बेबी को बहुत ही पसंद आता है। फूड यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों मैशर ले लेंगे, फूड को अच्छे से मैश कर लेंगे और इसकी आप एक फाइन सी प्यूरी भी बेबी को बनाकर दे सकते हैं। और ठंडा होने के बाद फूड को अब एक हम सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं। और अगर दोस्तों आपका बेबी 8 महीने से ऊपर हो चुका है तो आप इस फूड को अपने बेबी को लंच एंड डिनर किसी भी टाइम दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताई गई हेल्दी फूड की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।